हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर SST क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट सेकंड ऑफ सिविक्स एंड चैप्टर थर्ड, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। सो ओपन योर बुक्स एंड कीप कंसंट्रेट ऑन योर बुक्स विद योर पेंसिल, अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट लाइंस। तो गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार क्या होती है, बहुत जो हमारी कंट्री को चलाती है, जो बहुत सी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डिसीजंस लेने में, कंट्री की स्कूल्स बनाने में, जैसे रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स डेवलप करने में, कंट्री को डेवलप करने में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में, रेलवेज़ वगैरह चलाने में, इन सब डिसीजंस को, जैसे कोई क्राइम हो जाता है कंट्री में तो उसको उसके लिए एक्शन लेने में, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, गवर्नमेंट। एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है, तो वो जो कंट्री जिसके अंडर चलती है, जिस कंट्रोल में चलती है, वो होती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज। जैसे हमारी बाउंड्रीज़ को, इंडिया कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, ताकि वहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट रहे, रिलेशन अच्छे रहे हमारी कंट्री के, उसमें भी गवर्नमेंट हेल्पफुल रहती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट। ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है कि इसके सिटीजन्स, जितने भी हम पॉपुलेशन हैं हमारी कंट्री में, इसके पास इनफ, हर किसी के पास इनफ बेसिक नेसेसिटीज़ अवेलेबल हों, मतलब हर कोई अच्छी लाइफ अपनी, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों। इफ़ देर इज़ अ डिस्प्यूट ऑफ और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जहाँ पे कहीं झगड़े होते हैं किसी कंट्री में या फिर किसी एरिया में, किसी ने क्राइम कमिट कर दिया, तो उस चीज़ के लिए भी एक्शन लेना ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब ह्यूमन बींग्स इकट्ठे काम करते हैं, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, जहाँ पे डिसीजंस बनाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज़ द सम रूल्स हैव टू मेड दैट अप्लाई फॉर टू एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल द रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। हर कंट्री सिटीजन के लिए रूल्स बने होते हैं, जो कि हर किसी को कंट्रोल करने हैं, टेरिटरी के लिए इंप्लीमेंट करना, मतलब लागू करवाना डिसीजंस को। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देर आर थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है हर लेवल के लिए, लाइक बहुत सी थिंग्स के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देर आर थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट वर्क्स एट द थ्री लेवल्स, एट द लोकल लेवल, लेवल ऑफ द स्टेट एंड द नेशनल लेवल। लोकल लेवल मतलब जो विलेजेस में, स्टेट लेवल एक स्टेट से दूसरे लेवल, मतलब स्टेट तक कैसे गवर्नमेंट वर्क करती है, नेशनल वन कंट्री टू अनदर कंट्री गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है। द लोकल मीन्स इन योर विलेज और द लोकेलिटी। स्टेट लेवल मीन्स वुड मीन इट कवर्स द एंटायर स्टेट, लाइक हरियाणा, असम एंड स्टेट लेवल लाइक हरियाणा से असम तक, एंड नेशनल लेवल लाइक वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सो नेक्स्ट वी विल कम ऑन द लॉज एंड गवर्नमेंट, मतलब कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं, लॉज कैसे बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट मेक द लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट लॉज बनाती है और कंट्री में। द रेस्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन पार्ट सेकेंड। दिस वॉज योर पार्ट फर्स्ट।